आज मेरे श्याम की शादी है। अच्छा, किस किस ने भगवान भगवान के विवाह में कल आनंद लिया, जरा हाथ उठाओ। आई थी ना तुम लोग, बहुत अच्छा, कल बहुत आनंद आया क्योंकि कल भगवान का विवाह महोत्सव था ना। आहा, अच्छा भैया, भगवान की एक शादी हुई हो तो तुम्हें बताएं, 16,108। अब इतनी शादियों का वर्णन करेंगे तो 3-4 साल की कथा तो यहां हो ही जाएगी। लगातार बोलो जय सियाराम। अच्छा, हम तो सोच रहे, भगवान तो भगवान है, जिनकी एक शादी हो गई उनको देखो चेहरे का रंग उड़ गया, कई लोगों के बाल भी कम हो जाते हैं। एक व्यक्ति के बाल कम हो गए, हमने कहा क्या बात है, आजकल टेंशन में हो क्या? बोले गुरु जी, जब से शादी हुई है तब से उड़ गए। बोलो जय सियाराम। एक और हमारा चेला था गुजरात का, अभी भी है जोशी जी, पहले हमारे पास बहुत आते थे, जब से शादी हो गई एक एक साल में आते, एक वर्ष। हमने एक दिन फोन लगाया लॉकडाउन में, कोई काम तो था नहीं, हमने कहा कहो जोशी जी क्या हाल है? गुरु जी आपकी कृपा है। हमने कहा और तो सब ठीक है, एक बात बताओ, शादी होने के बाद बदल क्यों गए? तुम तो बब्बर शेर थे, बब्बर शेर। बोले गुरु जी, अब बब्बर शेर पर दुर्गा सवार है। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। हमने कहा तब तो ठीक ही है। अच्छा देखो, शादी भी कितनी विचित्र है, जिनकी हो गई वे भी रो रहे हैं और जिनकी नहीं भाई वो भी रो रहे हैं। हम वो बात अलग है कि सीरियस केस वाले बेचारे बोलते नहीं है कि हम रो रहे कि नहीं रो रहे। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो साधु जी। एक बार ऐसे ही क्या हुआ, एक गधा था, गधा गधा गधा, चार पैर वाला होता ही है, चार पैर वाला, चार पैर का गधा था गधा, और गधा बड़ा आस्तिक धर्मात्मा। अच्छा, गधे भी धर्मात्मा होते हैं, अब हो चाहे जैसे। तो जो गधा का मालिक था उसने गधे को सिखा रखा था कि कोई कुछ भी पूछे हां बोलना है, और गधा के पास कोई जाए भगवान है, गधा कहता था हां। उनसे पूछे दुनिया में क्या माया झूठी है, वो कहता था हां। मौत तय है, वो कहता था हां। काम हो जाएगा, गधा कहता था हां। लोग कहते थे भाई बहुत अच्छा गधा है। गधा का मालिक भी बड़ा होशियार, सजा धजा करके तिलक लगा करके उसको बढ़िया खड़ा कर देता था, लंबी लंबी लाइन, नारियल लिए कोई कपड़ा लिए खड़ा है, पूजा चल रही। कोई तो कहने लगा भाई ये महात्मा है चार पैर वाला, दूसरे बोले नहीं नहीं पूर्व जन्मी महात्मा है, धोखे से गधा बन गए, सिद्ध है सिद्ध। एक आदमी टिल्लू गुरु, टिल्लू गुरु पहुंच गए लाइन में खड़े हुए, मालिक ने से पूछा गधे के मालिक से, क्यों तुम्हारा गधा केवल हां बोलता है? बोले इससे कुछ भी पूछो हां बोलेगा। टिल्लू गुरु बोले आज ये ना भी बोलेगा। बोले नॉट पॉसिबल। टिल्लू गुरु बोले पॉसिबल है, तुम्हारा गधा ना बोलेगा। बोले ठीक है लगी सर, लोग भी तमाशा देखने को तैयार कि गधा आज तक ना नहीं बोला हां ही बोला। टिल्लू गुरु कान में गए, ना जाने क्या बुदबुदाए, गधा तुरंत बोला ना। सब चौंक गए कि आज तक गधे ने ना कहा ही नहीं है, पहली बार कहा है। सबका दिमाग खराब। गधे के मालिक ने पूछा कि पैसा ले लो, पर ये बताओ तुमने गधे से कहा क्या है जो उसने पहली बार ना बोला। टिल्लू गुरु बोले हमने कान में जाके कहा शादी करोगे, गधा भी बोला ना। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो साधु जी।